मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो ऐसे एडवांस आसन जिनको लेके अमूमन लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं बात कर रही हूँ काक आसन या इंग्लिश में इसे क्रॉ पोज कहते हैं और बक आसन या इंग्लिश में इसे क्रेन पोज कहते हैं। ये दोनों ही आर्म बैलेंसिंग आसन है, यानी इन दोनों आसन को करने के लिए आपके बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके शरीर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी रिस्ट का मजबूत होना यानी आपकी कलाइयों का मजबूत होना, आपके बाजुओं का मजबूत होना, आपकी जो छाती है उसका मजबूत होना, आपकी कोर का मजबूत होना यानी आपकी बेली से जो स्ट्रेंथ आएगा उसके बाद ही आप ये आसन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी पूरी की पूरी बॉडी में एक तरीके का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बॉडी में एक तरीके का फोकस होना चाहिए, आपकी सांसों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वो कौन कौन से प्रिपरेटरी आसन हैं जिनका अभ्यास करेंगे अगर हम हर दिन, तो हम आराम से काक आसन और बक आसन करने में समर्थ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके योगा विद शहीदा के परिवार से आप जुड़ जाएं, इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएं। इसके अलावा नीचे दिख रहा जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लें। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूंगी या मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी लाइव आऊंगी उसका आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा और आप वो वीडियोस मिस नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले अपनी उंगलियों की और अपनी कलाइयों की स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम आपको हर दिन करना है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी का भार रहेगा वो हमारे नन्हे नन्हे हाथों पे रहेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे हाथ मजबूत हों, उंगलियाँ मजबूत हों, जिससे उनकी पकड़ जो है बहुत खूबसूरत हो, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए इनमें और इंजरी के चांसेस ना रहे बिल्कुल भी। इस तरीके से दोनों हाथों को डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एक नमस्ते बनाएं, जस्ट उसके अपोजिट एक दूसरे को जोड़ दें। ये दिखती भले ही छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं लेकिन इनसे आपकी जो कलाइयों में जो प्रेशर पड़ने वाला है वो उसको बेयर कर लेंगी, झेल जाएंगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 अब चलिए अपने कंधों की जरा स्ट्रेंथनिंग कर लेते हैं। दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे लाइए। आपके जो पंजे हैं वो डाउन साइड ही रहेंगे, जमीन की तरफ फेस करते हुए। गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर आपके सर के ऊपर और एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप और एक्सहेल डाउन। वो सामने की तरफ लेके आइए, आपके पंजे छत की तरफ फेस करते हुए आप दोनों पंजों की जो उंगलियां हैं उसको अपने कंधों पे रखें, दोनों कुहनियों को एल्बोस को मिलाएं। इनहेल पूरा का पूरा एक चक्कर लगाएं, एक्सहेल। इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे, इसे भी 15-20 बार आप सभी दोहरा लें। इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ये आसन अगर हमेशा करते रहते हैं, इस तरीके से रोटेशन करते रहते हैं, तो कभी भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या, एक जगह पे बैठ के जब आपकी कंधे नम हो जाते हैं, एकदम सुन्न हो जाते हैं, वो चीज़ें भी नहीं होंगी और स्टिफनेस भी दूर जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे अभ्यास कर लें। अब कंधों की बहुत खूबसूरत वाली स्ट्रेंचिंग कर लेते हैं। दोनों हाथ सामने की तरफ लाइए, दाहिना हाथ इस तरीके से अपने एल्बोस से मोड़े, बाएं हाथ को उसके ऊपर इस तरीके से फंसा दें, मुट्ठियां दोनों बंद करें और खींचें अपोजिट डायरेक्शन में और रिलैक्स। दूसरे हाथ को भी इस तरीके से खींचते हैं। 1 2 3 4 5 तो आइए दोस्तों कर लेते हैं वो प्रिपरेटरी आसन जिससे हमारे आर्म्स की स्ट्रेंथ और कोर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी हमारे बाजुओं की ताकत और हमारे पेट में जो लगने वाला बल है उससे हमारे पेट की चर्बी तो कम होगी होगी, हमारी कोर की स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी, यानी हमारे पेट में जो बल लगेगा उससे हमारा पेट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। होल्ड करें इस तरीके से कम मिनिमम से मिनिमम 10 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें आपकी विल पावर भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होंगी। 3-3 सेट कर लें इस तरीके से 10-10 सेकेंड। अब करेंगे एल्बो प्लैंक तो हो गया, अब करते हैं हाई प्लैंक। 1
अब हाई प्लैंक से एल्बो प्लैंक, 2, 3, 4, अपने पेट को इंगेज करके रखिएगा। पेट को इंगेज करने का मतलब क्या है कि पेट को टाइट करके रखिएगा, अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से इसको आप दोहराते रहना। हाफ पुशअप, जो लोग फुल पुशअप करने में समर्थ हैं वो फुल पुशअप करें। इस तरीके से जो आपके दोनों हाथ के पंजे हैं वो जस्ट आपके शोल्डर्स के पैरेलल हो, कमर एकदम सीधी, इस तरीके से आर्च नहीं बनाएंगे ना ही बहुत ज़्यादा टाइट इस तरीके से रखेंगे, एकदम सीधी रखेंगे। दोनों पैरों को आपके कंधे जितने डिस्टेंस में रखेंगे, दोनों पैरों को इसकी स्थिति इस तरीके से रखें। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे डाउन जाएं। इस तरीके से कम 10-10 राउंड के 3 सेट कर लेना। अब अगली एक्सरसाइज कर लेते हैं, डॉल्फिन एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में, आपके बाजुओं में एक स्ट्रेंथ या ताकत देने में, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब दोनों पैरों को इस तरीके, दोनों पैर के पंजों को टक करें और अपनी कमर को उठाएं इस तरीके से, डॉल्फिन पोज। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने नाक को मैट पे टच करें और बैक। कोई भी एडवांस आसन करने के लिए आपकी कोर की स्ट्रेंथ और आर्म की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको जब भी मौका मिले आप हमेशा डॉल्फिन एक्सरसाइज का अभ्यास ज़रूर करें, इससे लाभ होगा। इनहेल बैक, एक्सहेल सामने, इनहेल बैक। इसको भी 10-10 राउंड के 3 सेट कर लेना और फिर देखिएगा किस तरीके से कुछ ही दिनों में आपके बाजू मजबूत हो जाएंगे, आपकी कोर मजबूत हो जाएगी। अब कुछ देर शवासन में आराम से लेट जाएं, क्योंकि आपने अभी बहुत ही मेहनत वाली सारी की सारी एक्सरसाइजेस की हैं। दोस्तों सबसे पहले आइए मैं डेमोंस्ट्रेट करती हूँ किस तरीके से काकासन या क्रॉ पोज करेंगे। इस तरीके से मल आसन में बैठ जाइए, आपके दोनों पैर के जो पंजे हैं बाहर की तरफ हों और दोनों पैर की स्थिति है, घुटनों को और भी पीछे की तरफ इस तरीके से पुश कीजिए और अच्छी तरीके से एक ओपनिंग दीजिए। अब दोनों हाथों को आराम से अपनी मैट पे प्लेस कर दीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा पास, जितने आपके शोल्डर्स हैं उतने प्लेस करने हैं। और एक बिंदु अपने सर के सामने निर्धारित कीजिए, आपकी दृष्टि के सामने जिसको आप फोकस करने वाले हैं उसको थोड़ा सा दूर निर्धारित कीजिएगा, जिससे आपका बैलेंस आसानी से बन सके इस तरीके से। अब धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो प्रेशर है आपके दोनों हाथ के पंजों में ट्रांसफर करेंगे और दोनों हाथ के पंजे वाइड ओपन होने चाहिए, जिससे बहुत खूबसूरत एक बेस मिल जाए इस तरीके से। गहरी लंबी सांस लें और धीरे से इस तरीके से अपने पंजों पे आए, पैर के पंजों पे आए, दोनों हाथों को आराम से निर्धार अपने उसमें रखें। अब आपके जो घुटने हैं वो आपकी जस्ट एल्बोस के ऊपर होंगे, एल्बोस के ऊपर यानी आर्म्स के पास, यहाँ पे हम टक करेंगे दोनों हाथ के। अब उस जो भी पॉइंट को आपने निर्धारित किया था उस पॉइंट को आप आराम से देखें और अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। गहरी लंबी सांस लें और सांसों को थोड़ा सा होल्ड करते हुए एक पैर उठाएं और फिर दूसरा पैर उठाएं और कुछ देर स्थिति को होल्ड करें और फिर धीरे धीरे एक पैर नीचे और डाउन। इसको मैं जरा साइड से बता रही हूँ। सबसे पहले आराम से मल आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को आराम से आपकी मैट पे, ज़्यादा बॉडी से दूर नहीं रखेंगे ना ही बहुत ज़्यादा पास, एक स्थिति में मेंटेन कीजिए। दोनों हाथों को पंजों को वाइड ओपन कीजिए, मल आसन में बैठिए आराम से। अब धीरे 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 आपकी बॉडी का जो वेट है हमारी बाजुओं में ट्रांसफर करेंगे और एक दूर पर एक बिंदु को देखेंगे इस तरीके से। धीरे धीरे आप एक पैर पहले उठाएं, फिर दूसरा पैर पहले उठाएं और होल्ड करें कुछ देर, होल्ड करें 5, 4, 3, 2, 1 एंड
बैक। ये हो गया काकासन। अब बिगनर्स के लिए टिप्स मैं यहाँ पे दूंगी कि किस तरीके से बिगनर्स ये स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। पहला तो वो प्रिपरेटरी आसन करना है, दूसरा स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए आप बिगनर्स को एक प्रॉब्लम होती होगी, आपको लगेगा कि आप सामने की तरफ गिर जाएंगे और आपकी नाक में चोट लग जाएगी या आपके माथे पे चोट लग जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे पे ऑलरेडी बीत चुकी हैं, इसीलिए मैं जान रही हूँ। तो उस स्थिति में आप इस तरीके से तकिया सामने रख लें तो फिर आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा, ठीक है। अब अगर आपके पास ब्लॉक हैं, योगा ब्लॉक हैं, तो उनका इस्तेमाल भी आप ज़रूर करें इस तरीके से। अगर योगा ब्लॉक नहीं है तो आप घर के आसपास दो ईंटें होंगी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कि दो और तकिया ले लें या एक और तकिया ले लें और उसके बाद इसका अभ्यास करें। आप दोनों ब्लॉक पे इस तरीके से अपने दोनों पैरों को आराम से जमा लें। आप दोनों हाथों को इस तरीके से मैट पे काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस कर लें, जिससे बहुत खूबसूरत एक बेस मिल जाए। अब गहरी लंबी सांस लें और सांसों को होल्ड करते हुए धीरे धीरे पहले एक पैर सिर्फ उठाएं इस तरीके से, और सामने तकिया है तो गिरने का डर नहीं है, फिर उस पैर को डाउन रख दें, फिर दूसरे पैर को उठाएं, कुछ देर होल्ड करें और डाउन। इसी तरीके से कुछ दिन तक ये आपको अभ्यास करते रहना है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जब आपको लगे कि आप दोनों पैर आसानी से उठा सकते हैं तो फिर आराम से आपका काकासन होल्ड कीजिए एंड बैक। ये ध्यान रखिएगा कि वो बिंदु जो है वो जितना दूर हो सके आप उतना दूर रखिए और उसको फोकस कीजिए। फिर जब लगे कि अभ्यास हो गया है तो इस तरीके से आप दोनों ब्लॉक्स को हटा के और फिर प्रैक्टिस कीजिए। जब जब लगे कि गिरने का डर है तो सामने तकिया ज़रूर रखें, इससे आपको गिरने का डर नहीं रहेगा और आप आराम से काकासन को होल्ड कर पाएंगे। एंड बैक। ये हो गया काकासन। बकासन के लिए भी यही सेम प्रैक्टिस करनी है। बकासन में क्या एक डिफरेंस है मैं आपको वो बताती हूँ। काकासन में हमने अपनी जो जो घुटने हैं उनको हमने अपने यहाँ पे बाजुओं में टक किया था, और बकासन में क्या करेंगे कि आपके जो घुटने हैं उनको आपकी जो आर्म पिट है उस पर टक करने की कोशिश करेंगे और हाथ सीधे रहेंगे, ठीक है। आराम से इस तरीके का अभ्यास पहले करना शुरू करें। अब दोनों हाथों को बहुत अच्छी तरीके से खोल लें और धीरे धीरे आपकी जो बॉडी का वेट है उसको आपकी आर्म्स में ट्रांसफर करने की कोशिश करें, धीरे 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 इस तरीके से। अब जब लगे कि बन गया है बैलेंस तो पहले एक पैर उठाएं इस तरीके से, फिर दूसरा पैर इस तरीके से उठाएं और सीधा करें अपने हाथों को एंड बैक। इसके लिए भी सेम प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि अगर डर है आपके अंदर कि गिर जाएंगे आप, तो सामने तकिया रख लें और इस तरीके से ब्लॉक रख लें आराम से इस तरीके से। ब्लॉक रखने के बाद इस तरीके से दोनों हाथ को रखा, वन टू। अब धीरे से एक पैर पहले उठाएं, 1 2 3 4 5 एंड बैक। इसी तरीके से दूसरा पैर भी, 1 2 3 4 5 एंड बैक। तो कुछ दिन ये अभ्यास करने के बाद आप दोनों पैरों को इस तरीके से टक करके और सीधा करें अपने हाथ को और होल्ड करें, 5 4 3 2 1 एंड बैक। इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस हो गई नहीं? आपको पता है जिस दिन मैंने पहली बार अपनी बॉडी को कुछ देर इस आसन में होल्ड किया था, यकीन मानिए मैं अपनी खुशी आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती।
मैं चाहती हूँ कि इसी खुशी को आप सभी महसूस करें ये सारी प्रैक्टिसेस करके। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब अपनी प्रैक्टिस के दौरान आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर भी किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, अपना चैनल समझ के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप सभी अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।